सब्सक्राइब करें हमारे चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को और नीचे दिखने वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दें। इसके साथ ही बेल आइकन जो कि वहां दिखा रहा है उसे भी दबा दें ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो आज जो पूछा गया है 12th एग्जामिनेशन में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का 100 मार्क्स का जो इंग्लिश पूछा गया है ISC और कॉमर्स के छात्रों के लिए, जो एग्जामिनेशन आज हो चुका है, मैं उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसमें पेपर कोड है H, आपका पेपर कोड अगर कुछ होगा तो उसमें केवल ऑप्शंस मतलब क्वेश्चंस इधर उधर होंगे, बाकी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यही होगा, तो आप मिला के यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हैव यू सीन, तो यहाँ पे होगा द ताजमहल। हैव यू सीन द ताजमहल, तो यहाँ पे द होगा क्योंकि ताजमहल जो है जो सिंगल है और फिक्स है, तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड, यहाँ पे वाज मैंने इसलिए प्रीफर किया है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक वेस्ट टेड, तो ये जो है जो हमारा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अगर कैन आता तो बी चाहिए इसके साथ क्योंकि कैन भी होना चाहिए पैसिव वॉइस में, बिल आता तो बिल भी होना चाहिए, और वेयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी अनकाउंटेबल है और ए लॉट ऑफ एनर्जी सिंगुलर सेंस देता है, तो ए लॉट ऑफ एनर्जी के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है दे ब्लैंक हेयर नेक्स्ट वीक, तो दे नेक्स्ट वीक का मतलब है कि वो नेक्स्ट वीक आएंगे यहाँ, तो हैड तो खैर लगेगा नहीं क्योंकि ये पास्ट सेंस दे रहा है, दे के बाद सीधे कमिंग तो होगा नहीं, दे केम भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पास्ट सेंस दे रहा है, तो दे विल कम, वे लोग आएंगे हेयर यहाँ नेक्स्ट डे, तो विल कम होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव होमवर्क टू डू, क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल है और इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं होगा, अगर कभी कभी आर्टिकल लगेगा भी तो द लगेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं होगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए छाट दिया गया है। आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क करना है। नेक्स्ट पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको आसानी से, अगर आप गूगल सर्च में एट द बैंक ऑफ गंगा भी लिखते हैं तो आपको ऑन द बैंक ऑफ गंगा करके ही ऑप्शन वहां पे दिखाएगा पोस्ट, तो ऑन द बैंक ऑफ गंगा इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, तो ये मैंने इसलिए छाट दिया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का एक नरेशन है, तो इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मैंने इसको छाट दिया, और इसमें क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे दिया हुआ है वेयर वाज हिज फादर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाज जो है जो अगर ये पास्ट में होता है तो वाज चेंज करता है हैड बीन में, तो यहाँ तो हैड बीन है नहीं, यहाँ तो सिंपल से सा है राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, यानी कि वाज का वाज तो रहेगा नहीं जब ये पास्ट है, तो किसका होगा, तो वाज होता है पास्ट इनडिफिनिट का, तो मैं इसमें आप खोज रहा हूँ कि कहाँ पास्ट इनडिफिनिट, सॉरी वाज होता है प्रेजेंट इनडिफिनिट का, कि प्रेजेंट इनडिफिनिट या इज एम आर जो होता है, इज एम आर वो चेंज होता है वाज वेयर में, तो यहाँ पे है राधा सेड टू रवि वेयर इज फादर वाज, तो राधा आस्क रवि वेयर का वेयर हिज फादर पहले आ जाएगा, योर फादर का हो जाएगा रवि के अकॉर्डिंग हिज फादर, और फिर हो जाएगा वाज इज का वाज। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइवर्स मस्ट ड्राइव ओवर द लिमिट ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर को स्पीड लिमिट के बाहर ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट ऑप्शन नंबर सी। लुक एट दिस पेंटिंग, बचपन से जब आप पढ़ते होंगे इंग्लिश के बुक तो आपको मिलता होगा लुक एट द पिक्चर, तो यहाँ पे लुक एट दिस पेंटिंग कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, वैसे लोग जो सेम डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनको कॉलेजियस बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई विश आई वेयर यंग अगेन, मैं बता देना चाहता हूँ ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आई बी यू दे ही सीट नेम कुछ भी रहे उसके साथ वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई विश मैं मनाता हूँ, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ आई वेयर यंग अगेन कि मैं फिर से जवान होता ऑप्शन नंबर सी, हालांकि मैं जवान हूँ अब बाकी जिसके लिए सेंटेंस आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। यहाँ पे देखिए, अगर द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, अगर यहाँ पे द दे देता तो दो व्यक्तियों का यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे द केवल एक ही एडजेक्टिव के पहले दिया हुआ है, द ग्रेट स्कॉलर। तो यहाँ पे ये दोनों स्कॉलर और पोएट एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है, तो हैव और आर तो आएगा ही नहीं, तो आएगा हैज, कि जो महान विद्वान और कवि थे वो मर चुके हैं, यानी कि हैज डाइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। इसमें देखिए हु नेम नहीं होगा, जिसका नाम, यानी कि ये अधिकार दर्शा रहा है, तो अधिकार में हु और हुम तो लगेगा नहीं। बाकी अब रिलेटिव प्रोनाउन में डैट आ सकता है, सी इज द गर्ल डैट नेम इज रावी, लेकिन डैट से बेस्ट यहाँ पे हुज आ रहा है, सी इज द गर्ल या वह लड़की है हुज नेम इज रावी, जिसका नाम रावी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। जब सन चमकता रहता है, जब सन उगता है, उदय होता है, तो हम लोग स्विमिंग पे जाते हैं, ये बता रहा है आदत को, तो आदत को हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे होगा बी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग, 13 का ऑप्शन नंबर डी। जॉन हैज लेइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के साथ तो यहाँ पे ना लाइज आएगा, ना लाइड आएगा, ना ही इज लेइंग आएगा, इसमें ओनली आएगा हैज बिन लेइंग, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन सीता कम्स बैक, जब सीता लौट के आती है, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस फ्यूचर को व्यक्त कर रहा है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट को व्यक्त करेगा। व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। वो वीडियो गेम खेल रहा है, तो यहाँ पे हैड प्लेइंग भी नहीं होगा, क्योंकि हैड के साथ तो ऐसे भी प्लेइंग नहीं होगा, ही के साथ एम तो आएगा नहीं, ही के साथ आर भी नहीं आएगा, तो ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ऑप्शन नंबर डी। 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पे कमिटी COMMITEE कमिटी समिति का ये सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, आई के साथ डज नॉट नहीं लगता है, आई के यहाँ पे हैव नॉट अगर आया तो यहाँ पे स्पोकन होना चाहिए ना, तो लेकिन स्पोकन तो है नहीं, तो हैव नॉट भी नहीं आएगा और हैड नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि हैड नॉट भी आएगा तो यहाँ पे भीतरी खोजेगा, तो यहाँ पे व्यूअन है, तो यहाँ पे आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ। आइदर ऑफ टू, आइदर के साथ आइदर ऑफ टू, यहाँ पे जो है ऑफ के पहले आइदर आया है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो ना आर सिंगुलर नहीं है और हैव सिंगुलर नहीं है। बात आई कि हैज की, तो हैज आइदर ऑफ टू इज एक्सेप्टेबल का मतलब हुआ कि दो में से कोई एक को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 20, आई बाउट दीज बुक्स फ्रॉम ऑक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रॉम वहां से खरीदा, फ्रॉम द शॉप होता है, तो उसी तरह से होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द डॉक्टर सजेस्टेड डैट द पेशेंट शुड टेक ए वेकेशन। तो यहाँ पे जो होगा वो द पेशेंट, कोई भी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे रख ले तो कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं होगा, केवल होगा द डॉक्टर सजेस्टेड डैट द पेशेंट शुड टेक ए वेकेशन, तो ऑप्शन नंबर सी। 22, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। ये जो आप देख रहे हैं वो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, तो नॉर्मली आप पास्ट इंडिफिनिट खोज लीजिए कि कहाँ पे है, ये नहीं है पास्ट इंडिफिनिट, ये नहीं है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। टॉम पेंटेड दिस हाउस, इसको अगर हम आगे करते हैं तो द हाउस वाज पेंटेड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का वाज लेता है पैसिव वॉइस में, वाज या वेयर, तो द हाउस सिंगुलर है, वाज लेगा, वाज पेंटेड बाय टॉम, ऑप्शन नंबर डी। 23, What do you want? She asked. तो she asked what he wanted. ये जो do देख रहे हैं, यानी present indefinite जो है, ये जब past होता है तो present indefinite past indefinite में change हो जाता है, तो ये past indefinite केवल हमको इस sentence में दिख रहा है, बाकी किसी भी sentence में past indefinite नहीं दिख रहा है, तो 23 का option number B। I am making my bed, मैं अपना bed तैयार कर रहा हूँ सोने के लिए, I am making my bed। Listen, सुनो, राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा सितार बजा रही है, ऑप्शन नंबर सी। विल प्लेइंग नहीं, हैड प्लेड नहीं,
बजा नहीं चुकी, अगर बजा चुकी होती तो लिसन सुनो नहीं बोलते, लिसन सुनो, राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा सितार बजा रही है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मर्सा इज रीडिंग अ नोवेल, इसका पैसिव बनाना है, तो ए नोवेल इज बींग रेड बाय मर्सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है विल ही कम विथ अस, यहाँ पे विल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इज तो होगा नहीं, अगर इज होता तो कम नहीं आता, इज के साथ डायरेक्ट कम नहीं आ सकता है, कमिंग आएगा नहीं तो केम आएगा पैसिव में, तो इज तो होगा नहीं, बाकी डू नहीं होगा, डू के साथ ही नहीं आता है, हैव के साथ ही नहीं आता है, तो विल ही कम विथ अस, क्या वो हमारे साथ आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो हमारे साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस दिस बस, आपको शुरू करना चाहिए नहीं तो आप बस को मिस कर देंगे, तो इसका यही दे रहा है, अनलेस यू स्टार्ट नाउ, अगर तुम अभी शुरू नहीं करते हो यू विल मिस द बस, आप बस को मिस कर देंगे, 28 का ऑप्शन नंबर ए। द मैन वाज बाइटन बाय ए डॉग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइट यानी काटना का बिटन भी होता है और बिट भी होता है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप गूगल कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो, कि बिटन का बाइट का जो है बिटन और बिट होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन बिटन है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ प्रीफर करने वाला हूँ। डैट्स स्ट्रेंज, ये कितने स्ट्रेंज की बात है, ये कितना चौंकाने वाला है कि हमारे बच्चे डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं, 30 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक पे आपके बेस्ट हैं, अगर आपको इसके भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आए, जितना ज़्यादा कमेंट और जितना ज़्यादा लाइक जाएगा उसके बाद मैं इस 20 क्वेश्चन का भी वीडियो इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।